ठीक है, आज का पहला टॉपिक है हमारा इंग्लिश का, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे पहला वर्ब बेसिक में, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा आज का वर्ब, ठीक है। तो ये पहला हम पढ़ेंगे बेसिक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बेसिक, ठीक है। वर्ब में बेसिक पढ़ेंगे पहले। देखिए इंग्लिश में जो आपका चैप्टर है वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वर्ब का, ठीक है। वर्ब से संबंधित इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ब की, देखिए जो हम बात करते हैं, पहले कर रहे थे हम वर्ब की, अगर वर्ब की बात की जाए तो वर्ब होती क्या है, देखिए वर्ब का कार्य होता क्या है। वर्ब का कार्य होता है, वर्ब की अगर बात करें तो इसका होता है मतलब कार्य का होना दर्शाता है। ये क्या कहलाता है आपका? कार्य का होना, ठीक है। वर्ब का क्या होता है? कार्य का होना, ठीक है। वर्ब को क्या कहते हैं हम? डूइंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? डूइंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। डूइंग वर्ब भी इसको कहते हैं, ठीक है, कार्य का होना। देखिए आगे बात करें वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए अगर बात की जाए वर्ब की, देखिए वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बात करेंगे वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, पूरा चैप्टर लेके चलेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। मैं आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंग्लिश वगैरह सब सब्जेक्ट की क्लासें आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आगे बात करें वर्ब होती कितने प्रकार की है। देखिए वर्ब होती है आपकी दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। दूसरी क्या होती है आपकी? मेन वर्ब, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। देखिए अब ये तो होगी दो प्रकार की, ये आपको याद रखना है, वर्ब दो प्रकार की होती हैं। आगे अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब की भी अगर बात करूँ मैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है अगर इसकी बात की जाए? एक होती है आपकी मॉडल्स। क्या होती है? मॉडल्स, ठीक है। एक होगी आपकी मॉडल्स। दूसरी होती है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी? प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। ठीक है, ये होगी दोनों। अब आगे बात करें हम, देखिए अब मॉडल्स होती क्या हैं। अगर मॉडल्स की बात करें, देखिए मॉडल्स की बात की जाए तो ये क्या होती हैं? ये जो होती हैं आपकी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या करती हैं आपकी? मेन वर्ब का कार्य नहीं करती हैं, ठीक है, मेन वर्ब का कार्य नहीं करती हैं, ठीक है, जितनी मॉडल्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए मॉडल्स की अगर बात करूँ मैं, जैसे कि आपका कैन हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, ये क्या है आपकी? मॉडल वर्ब का कार्य नहीं, मेन सॉरी मॉडल्स हैं, मेन वर्ब का कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक बात देखें हम, देखिए अगर आगे हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करूँ प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की, देखिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की अगर बात करूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब में दोनों में कार्य करती हैं। क्या करती हैं आपकी? हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में दोनों में कार्य करती हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी और आपका मेन वर्ब में भी दोनों में कार्य करती हैं, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे देखिए मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की अगर बात की जाए तो मेन वर्ब के अंत बात करें तो मेन वर्ब को हम वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर रखते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखते हैं हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, ठीक है, मेन क्रिया, ठीक है, मेन वर्ब होगी जो वर्ब जो मेन वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होगी? जो वर्ब मेन क्रिया के मुख्य स्थान पर आती हैं, ठीक है, तो उन्हें मेन वर्ब के स्थान पर रखते हैं। अब आगे बात करें, देखिए अगर हम इसमें एक आप नोट करें, एक चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपकी नीड, जैसे आपका नीड हो गया, डेयर हो गया, ठीक है, नीड डेयर और यूज्ड टू, ये क्या है? देखिए ये आपकी मेरिजल एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है। नीड एवं डेयर मॉडल मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, दोनों का कार्य कर सकते हैं, ये क्या है आपकी? दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यूज टू की अगर बात करूं तो यूज टू आपका, यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव, यानी कि यूज टू आपका मॉडल, ठीक है, मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, देखिए अब हम बात करें अगर इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या होती है, देखिए बात करें जाए अगर एक्जुलरी वर्ब की, तो एक्जुलरी वर्ब होती क्या है, देखिए अगर हम बात करें एक्जुलरी वर्ब की, देखिए एक्जुलरी वर्ब की अगर बात की जाए तो ये होती क्या है, देखिए अगर इसकी बात करें हम तो ये वो होती है, ये वर्ब वो होती हैं, देखिए ये वर्ब वो होती हैं, ये वर्ब की अगर बात करें तो ये वर्ब्स वो होती हैं जो अन्य वर्ब के साथ, मतलब क्या होती हैं, जो अन्य वर्ब के साथ एक्जुलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आगे बात कीजिए, देखिए अब हम बात कर रहे थे इसमें, अब इसमें बात करें मॉडल एक्जुलरी वर्ब की, देखिए अगर बात करें हम, आगे बात की जाए मॉडल एक्जुलरी वर्ब की, देखिए मॉडल, ठीक है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब की अगर बात करें तो ये क्या होती है, देखिए ये वो वर्ब होती हैं, जैसे आपका देखिए जैसे वर्ब क्या होती हैं, जिन्हें हम इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, काय में करते हैं, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ही इनका प्रयोग करते हैं। अब मैं बता दूं होती कौन कौन सी, देखिए इसमें होती है आपकी, जैसे हो गया आपका कैन हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ठीक है, मस्ट हो गया, आपका आउट टू हो गया, ठीक है, ये क्या है, देखिए ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, ये क्या है आपकी, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, इनका प्रयोग काय में करते हैं, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग काय में करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें, देखिए जैसे आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी सी कैन, सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, ठीक है। देखिए अब इसमें मॉडल वर्ब कौन सी है, अगर मॉडल वर्ब की बात करें तो आपकी कैन क्या हो गई, आपकी मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है, कैन क्या हो गई, आपकी मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है। अब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब आपकी क्या हो गई, रन हो गई, ठीक है, मेन वर्ब क्या हो गई इसमें आपकी, क्या हो गई, रन हो गई, ठीक है, तो ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देखिए दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम ले में इसमें, देखिए जैसे आपका ये हो गया एक एग्जाम्पल्स भी हो गया, दूसरा की बात करें जैसे यू शुड, ठीक है, यू शुड स्टडी इंग्लिश। अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपकी मॉडल वर्ब कौन सी हो गई, शुड आपकी मॉडल वर्ब हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया आपकी मॉडल वर्ब हो गई, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, स्टडी क्या हो गई आपकी, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए अब ऐसे ही आगे बात करें, ये तो आपकी मॉडल एक्जुलरी वर्ब हो गई, ठीक है, अगर आगे बात की जाए दूसरी वर्ब की, देखिए मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब की अगर बात करी जाए, एम ए आर जी ठीक है, मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब की अगर बात करें, एक्जुलरी वर्ब की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होती है, देखिए इसमें जो होती है आपके वर्ड की अगर बात करूं, देखिए जैसे आपका यूज टू हो गया, क्या हो गया आपका, यूज्ड टू हो गया, ठीक है, नीड हो गया, नीड हो गया, ठीक है, नीड हो गया, डेयर, डेयर हो गया, ठीक है, ये क्या है अगर इनकी बात करूं तो ये मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है, मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब है, ठीक है, ये क्या आपकी मैरिंगल एक्जुलरी वर्ब हो गई।
अब इनका प्रयोग काय में करते हैं, इनका प्रयोग जैसे कि बात करें यूज, देखिए नीड और डेयर का, अगर बात करें नीड और डेयर की, देखिए नीड और डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। इनका दोनों का प्रयोग काय में करते हैं, हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूज टू की, तो यूज टू का वर्ब हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, काय के रूप में करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, ठीक है। यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं और नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करूं मैं, देखिए अगर हम बात करें, अगर एग्जांपल्स की अगर बात की जाए इसमें, देखिए अब यूज कैसे करेंगे हम इसमें, अगर एग्जांपल्स की बात करूं, देखिए अगर हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, आई एम यूज टू स्लीपिंग, यूज टू स्लीपिंग, स्लीपिंग लेट एट नाइट, ठीक है, लेट एट नाइट। देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए तो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब की अगर बात करें, तो मेन वर्ब, देखिए सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इसमें आपकी, तो एम हो गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई ये तो आपकी। अगर यूज टू की बात करूँ, तो यूज टू क्या है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होया, काय में होया आपका, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होया, ठीक है। अब बात करें स्लीपिंग, देखिए ये क्या है आपका, ये ग्रंड है, ठीक है, ये क्या आपकी जीरंड है, ठीक है, ठीक है, ये जीरंड हो गया। अब इसकी बात करें आगे एट नाइट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसमें यूज टू का प्रयोग काय के रूप में हुआ, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, काय के रूप में हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स अगर ले लेते हैं हम, जैसे आई नीड यू, ठीक है, जैसे आई नीड यू, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीड का प्रयोग होया है आपका, काय में होया है, मेन वर्ब के रूप में होया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होया आपका, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूँ, देखिए अगर अगले एग्जाम्पल्स की बात करूँ इसमें, देखिए जैसे हम अगर आगे ले लें यू नीड नोट कम टुमारो, ठीक है, टुमारो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो नीड का प्रयोग हुआ है, तो ये काय में हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, काय में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक है। और अगर बात करूँ कम की, तो कम क्या है आपका, ये आपका डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, क्या है आपका, डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, ठीक है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव है आपका कम, ठीक है। तो यहाँ पर नीड का प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। अगर आगे एग्जांपल्स की बात करूँ, देखिए अगर दूसरे एग्जांपल्स की अगर बात करूँ, जैसे आपका ये हो गया, देखिए अगर जैसे सी डज नोट डेयर, ठीक है, डेयर टू कम होम लेट, ठीक है, होम लेट, यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जो आपका डेयर का प्रयोग हुआ है, अगर डेयर की बात करूँ, तो यहाँ पे काय में हुआ आपका, मेन वर्ब के रूप में हुआ है, काय में हुआ आपका, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। और टू कम का प्रयोग यहाँ पर इन्फिनिटिव के रूप में हुआ है, काय में हुआ है, इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है टू कम का प्रयोग। ऐसे ही अगर अगले एग्जाम्पल्स में बात करें, देखिए अगले एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, जैसे आपका ले लेते हैं हम आई डेयर नोट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे जो डेयर का प्रयोग हुआ है, यहाँ काय के रूप में हुआ है आपका, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, काय में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। और यहाँ पर एंटर का प्रयोग की अगर बात करूँ, तो एंटर का प्रयोग आपका डायरेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में एंटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए मॉडल एग्जरी वर्ब की अगर कुछ महत्वपूर्ण की बात करूँ, देखिए अगर मॉडल एग्जरी वर्ब में मेन वर्ब के रूप में, देखिए मॉडल एक्टिव वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है,
मॉडल एक्जुली वर्ब की अगर बात करूँ तो इसका प्रयोग, देखिए मॉडल एक्जुली वर्ब की बात करूँ तो इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी, अगर मॉडल एक्जुली वर्ब की बात करूँ, देखिए इसमें हम जो करते हैं, देखिए इसमें अगर मॉडल एक्जुली वर्ब की बात करूँ तो इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ING और फॉर्म का प्रयोग या ES नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इसके प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब का प्रयोग हमेशा एक ही रूप में होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए पहले मैं, देखिए अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे मॉडल एक्जुरी वर्ब का बता रहा था मैं पहले, ठीक है। मॉडल एक्जुरी वर्ब में जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है, मॉडल एक्जुरी वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए जो इसका प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, किन का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। काय में करते हैं आपका, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, दिक्स दिस बॉक्स। यहाँ पे जो फिट, देखिए यहाँ पे जो लिफ्ट की अगर बात की जाए, LIFT, लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट क्या है आपकी, मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो गई आपकी, कैन हो गई, ठीक है। क्या हो गई आपकी, कैन हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग करते हैं, ना कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे दूसरे की हम बात कर रहे थे, दूसरा था हमारा मॉडल एक्जुलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब की। देखिए यहाँ पे भी हम यही बात करने वाले थे, इसमें क्या होता है आपका वर्ब की, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें आपका ING फॉर्म का, ING फॉर्म का, या अगर बात करें तो ES फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके, ES फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग सभी में क्या करते हैं हम, अगर बात करें इसका प्रयोग काय में करते हैं, तो इसका प्रयोग हम नंबर, ठीक है, काय में करते हैं, नंबर, पर्सन या सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक रूप में होता है, ठीक है। या पर्सन के साथ, पर्सन्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसकी फॉर्म में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए, जैसे आपका सी कैन हेल्प हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्प आई है आपकी, कैन के बाद प्रयोग हुआ है, ठीक है, कैन आपका तो हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब आपकी हेल्प आई है, तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसका प्रयोग जो करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो होती है वर्ब की, जो जो रूप होता है उसका, पर्सन का, वही उसके रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रयोग करते हैं, आगे बात करें, देखिए अगले अगर उसकी बात की जाए, देखिए जैसे आउट, आउट का यू तथा यूज के बाद हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं आपका आउट आ गया, ठीक है, आउट तथा यूज के बाद, ठीक है, आउट तथा यूज के बाद हम काय का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव, यानी कि आपका इन्फिनिटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं हम, इन्फिनिटिव की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए जैसे आपका ये एग्जाम्पल्स हो गया, वी आउट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, अवर पेरेंट्स। तो इसमें जो हमने प्रयोग किया, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का योग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आपका, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होया है, ठीक है। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल्स में अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ही यूज्ड टू कम लेट, ठीक है, कम लेट। तो यहाँ पे
अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कम टू, ठीक है, टू कम, तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, कम क्या होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आउट था यूज के साथ, यहाँ पर आउट आया है, ठीक है, तो आउट और यूज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करेंगे हम, देखिए आगे अगर बात करेंगे तो अगले टॉपिक पे बात करेंगे हम इनके वर्ब के प्रयोग के बारे में, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम लेके चलेंगे आपको इसके प्रयोग के बारे में, ठीक है, मॉडल एक्जरी वर्ब के प्रयोग के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, अगला टॉपिक रहेगा यूज ऑफ मॉडल मॉडल एक्जरी वर्ब, ठीक है। ये टॉपिक हम कल लेके चलेंगे, आपका चैप्टर पहले का ही है लेकिन टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा, ठीक है, टॉपिक हमारा दूसरा रहेगा और चैप्टर आपका वर्ब का ही रहेगा ये, ठीक है। हम उसमें बाद आगे बात करेंगे आपकी कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, सभी की आगे चर्चा करेंगे उसके टॉपिक पे, वुड, शैल, विल, ठीक है। तो सारे को लेकर चलेंगे, यूज टू, शुड, आउट टू, ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, डे या नीड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, मिलेंगे आपको, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।